सदाबहार किचन में आपका स्वागत है। महावीर जन्म कल्याणक की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, जिस प्रकार हर वर्ष में आप लोगों के लिए महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर जैन थाली लेकर आती हूँ, उसी तरह इस वर्ष भी मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ महावीर जन्म कल्याणक स्पेशल जैन थाली। और ये जो जैन थाली है बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही टेस्टी है, तो इसको आप लोग एक बार जरूर ट्राई करें। और जिस प्रकार से कि मुझे कई बार कई लोगों से ये फीडबैक मिला है कि आपकी थालियां तो बहुत अच्छी होती हैं, पर इसमें जो क्वांटिटी है या जो आप व्यंजन बनाती हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ एक आइडिया है कि आप इनमें से ये सब रेसिपीज भी बना सकते हैं। और चाहे यदि आपकी इच्छा है तो आप इसमें से जो आपको रेसिपीज पसंद आ रही है वो आप बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसमें से क्या बनाना चाहते हैं, ये तो सिर्फ एक आइडिया है। तो फिर इस आइडिया को अपनाते हुए फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बनाते हैं इस वर्ष की जैन थाली। नो ऑनियन गार्लिक रेसिपीज को आप चाहे तो अन्य व्रत उपवास के समय भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, साल से मेरी थाली आते जा रही है और आप सबको उसका बहुत प्यार मिल रहा है। तो इसी प्रकार इस वर्ष भी जो मैं थाली आपके लिए लेकर आ रही हूँ उसको भी आप खूब प्यार देंगे और मेरे वीडियो को पसंद करेंगे। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आए, मेरी रेसिपीज पसंद आए, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी जरूर करें। तो चलिए फिर हम लोग बनाना शुरू करते हैं हमारी इस वर्ष की जैन थाली। जो कि हम जब कभी थाली बनाते हैं या अन्य कोई भी रेसिपीज बनाते हैं तो कुछ तैयारियां हमको पहले से करके रखना होती हैं। तो यहाँ पर मैंने जैन थाली के लिए कुछ तैयारी पहले से करके रखी हुई है। और साथ में जैसे जैसे हम रेसिपीज बनाते जाएंगे तो जैसे जैसे उसमें इन्ग्रीडियंट्स लग रहे हैं, जो उसकी प्रोसेस है, मैं आपको बताते जाऊँगी। तो यहाँ पर हमने लिया है आधा लीटर के लगभग दूध। सबसे पहले हम इसको उबाल लेते हैं। तो उबाल आने के बाद में इसको हमको गाढ़ा करना है दूध को। तो यहाँ हम गाढ़ा होने के लिए दूध को लगातार चलाते हुए पकाएंगे और थोड़ा सा इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे ताकि जल्दी से ही गाढ़ा हो जाए। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ा से केसर के धागे। पकाते हुए जब इसकी क्वांटिटी आधी हो जाएगी तो इसमें ऐड करेंगे चीनी, और चीनी ऐड करने के बाद में गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ हमारी रबड़ी तैयार है। अब हम एक बाउल में लेते हैं गेहूं का आटा। तो 1.5 कप हमने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया हुआ है, और साथ में यहाँ पर लेंगे 1/4 कप के लगभग बारीक सूजी। और अब इन दोनों जो आटा और सूजी का मिश्रण है, इसमें हम रूम टेम्परेचर पर लिया हुआ दूध है, इससे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ऐड करेंगे और एक बढ़िया सा घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने 1 कप दूध लिया हुआ है और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जा रहे हैं और बढ़िया से इसका लम्स फ्री घोल तैयार करेंगे। तो बचा हुआ जितना दूध है वो अभी हम ऐड कर देते हैं, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क पाउडर और थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई सौंफ। तो ये जो मिश्रण है ये हम बना रहे हैं मालपुए का मिश्रण। तो अभी ये जो मालपुए के हिसाब से जो मिश्रण है, जो घोल है, काफ़ी गाढ़ा है, तो इसमें हम थोड़ी सी दूध की क्वांटिटी और बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने दूध लिया है, साथ में थोड़ी सी दूध की मलाई भी हमने ले ली है। और इसके बाद में इसको बढ़िया से अच्छे से घोल लेंगे हम, और एक बार थोड़ा सा चम्मच से गिराकर देखेंगे। तो अभी भी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। और ये जो सारा दूध हम ऐड कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पर ही ऐड कर रहे हैं, और ये गेहूं की क्वालिटी पे भी, आटे की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि कई बार दूध ज़्यादा लग सकता है तो कम में भी काम चल सकता है। तो यहाँ पर देखिए फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला जो हमारा बैटर है तैयार हो गया है मालपुए के लिए। इसको हम ढककर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर हमने जो, अब क्योंकि हमें थाली बनाना है तो थाली में काफ़ी सारी चीज़ें हमको बनानी है, तो यहाँ चावल भी हमने धोकर रखे हुए थे भिगोकर थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर उसमें पानी डाल के हम इसको पकने के लिए रख देते हैं कुकर में। तो यहाँ पर जो बासमती चावल है हमने 1 कटोरी लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें 2 कटोरी पानी डाला है और 15 से 20 मिनट के लिए इसको हमने भिगोकर रख दिया था। अब इसके हम 1 सीटी लेंगे तो हमारा जो चावल है बहुत बढ़िया पककर तैयार हो जाएगा। जब तक हम यहाँ पर हम बनाते हैं मालपुए की चाशनी, तो इसके लिए हमने लिए 1.5 कटोरी के लगभग शक्कर, क्योंकि 1.5 कटोरी आटा था उतनी ही लगभग हमने चीनी ली है, और उसमें थोड़ा सा हमने पानी डाला है जिसमें चीनी अच्छे से डूब जाए। और इसके बाद में हम इसको चलाते हुए मीडियम आँच पर पकाएंगे और शक्कर जो है उसको मेल्ट होने देंगे। अब चाशनी में हम डालेंगे थोड़े से केसर के धागे और साथ में थोड़ा सा इलायची पाउडर, तो इससे जो काफ़ी बढ़िया फ्लेवर आता है। तो यहाँ हमने इलायची का पाउडर करके रखा हुआ है। जो कुछ तैयारियाँ होती हैं पहले से करके रख लें तो बहुत जल्दी फटाफट हमारी जो सारी रेसिपीज हैं तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ हमारी जो चाशनी है इसको हम तैयार कर रहे हैं, तो जो शक्कर है वो मेल्ट हो चुकी है, और हाथों में चिपकने वाली जो कंसिस्टेंसी की हमको चाशनी तैयार करना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना है, शक्कर घुल जाए और फिर उसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट आ जाए उतना हमको पकाना है। और बाद में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस ताकि क्रिस्टलाइजेशन ना हो।
अब एक पैन में हम चौड़े फैले हुए बर्तन में लेंगे घी। तो आप मालपुए चाहे तो घी में बनाएं, चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, पर यहाँ पर हम घी का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि घी के मालपुए बहुत अच्छे लगते हैं। और अब घी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो जो मालपुए होते हैं इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप एक थोड़ी सी गहरी सी चम्मच लें और उसमें थोड़ा सा बैटर लें अच्छे से, और उसके बाद में बस आपको मीडियम फ्लेम का जो घी हमने गर्म कर लिया है उसमें इसको डालें। उसके बाद बस बढ़िया बहुत ही अच्छे ब्राउन होने तक इनको तलेंगे हम, और हमारे जो मालपुए हैं ये तैयार हो जाएंगे। इसको धीमे से हम पलट देते हैं। तो देखिए गैस की फ्लेम को हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करके रखा है, एक बार अच्छे से गर्म कर लें घी को, उसके बाद में गैस की फ्लेम में उसको मीडियम करें, नहीं तो ये अंदर से कच्चे भी रह जा सकते हैं यदि आप एकदम तेज़ फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो। तो इस प्रकार से हम जितनी जगह है और भी जो मालपुए डाल देते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी होती है पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यदि आप चाहें तो जैसे मैंने मिल्क पाउडर इसका यूज़ किया था बैटर में इसको बनाते समय, उस जगह आप मावा भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो बिना मावे के या बिना मिल्क पाउडर के भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो मालपुए हैं एकदम बहुत बढ़िया सिककर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही सुंदर इनका कलर आ चुका है। अब इनको हम निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए जो सेकंड वेज भी हम इसमें डाल देंगे। तो अभी पहले हम सारे मालपुए निकाल के रख लेते हैं, और यहाँ पर हमने चाशनी भी तैयार करके रखी हुई है, तो जो सारे मालपुए हम जब बनाकर तैयार कर लेंगे तो उसके ऊपर से हम चाशनी भी डालेंगे, और चाशनी में थोड़ी देर इनको डला रहने देंगे। अब जब तक ये चाशनी में रखे हैं हम बनाते हैं लौकी पनीर मंचूरियन। तो इसके लिए हमने लौकी को कद्दूकस कर लिया है, और यहाँ पर कुछ पनीर हमने लिया हुआ है। तो पनीर की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाइंडिंग के लिए अब हम लेंगे 2 से 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च, 2 से 3 चम्मच गेहूँ का आटा, दरदरी कुटी हुई काली मिर्च 1/2 चम्मच, और साथ में लेंगे 1/4 टीस्पून ये जो सोया सॉस होता है। और यदि आप सोया सॉस और कॉर्नफ्लोर नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके बहुत बढ़िया सा इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो इसमें पानी हमको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो लौकी का पानी होता है उससे ही ये जो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बाइंड हो जाती हैं। और इसमें हम अभी ऐड कर देते हैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, हरी मिर्च जिसको मैं पहले ऐड करना भूल गई थी, तो अभी इसको हम ऐड कर देते हैं, और इसके बाद में हम इसको वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके हम बना लेंगे छोटे छोटे से मंचूरियन बॉल्स, और ये जो बॉल्स हैं इनको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसको आज हम बनाएंगे अप्पे पैन में। तो बहुत ही कम तेल में जो हमारे जो मंचूरियन बॉल्स हैं बनकर तैयार हो जाएंगे, और बहुत ही अच्छे बनते हैं, मतलब कि इसको डीप फ्राई करना ही ज़रूरी नहीं होता है। तो ये बहुत ही कम तेल में हम बहुत ही बढ़िया टेस्टी से जो मंचूरियन है बनाने वाले हैं। पैन को हमने हल्का सा ग्रीस कर लिया है, और अब इसमें हमने जो बॉल्स तैयार करके रखे हैं उसको हम बेक करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाते हैं, मीडियम फ्लेम पे हम रखेंगे, एकदम क्रिस्पी बॉल हमारे तैयार होंगे, और इसको चारों तरफ से हम अलट पलट कर सेक लेंगे। तो हल्का ब्राउन होने तक इसको हम सेकेंगे। तो हमारे जो मंचूरियन बॉल्स हैं तैयार हो गए हैं। जब तक हमारे बॉल्स सिक रहे हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारा मिसी रोटी का आटा है वो भी तैयार करते हैं। तो हमने आटा ले लिया है, उसमें साथ में थोड़ा बेसन ऐड किया है, थोड़ा अजवाइन, थोड़ी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग भी डालेंगे। उसके बाद में हम डालेंगे कसूरी मेथी और इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। तो मिसी रोटी है, इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो इसको आप वहाँ से देख सकते हैं फुल रेसिपी। तो यहाँ पर हमने आटा तैयार करके रख लिया है मिसी रोटी का, और अब जो हमारे बॉल्स हैं तैयार हो गए हैं, तो इसकी हम ग्रेवी तैयार करते हैं। बिना प्याज लहसुन मंचूरियन ग्रेवी तैयार करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, साथ में ही बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और इन दोनों को गर्म तेल में डाल के अच्छे से सौते कर लेंगे। और जब कभी भी हम बिना प्याज लहसुन की कोई ग्रेवी तैयार करते हैं तो उसमें यदि आप पत्ता गोभी यूज़ करें तो बहुत ही बढ़िया उसका फ्लेवर आता है। अब इसमें हम डालेंगे दरदरी कुटी हुई काली मिर्च, इसको भी हल्का सा सोते कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर लेते हैं टमाटो प्यूरी, तो हमने पहले से तैयार करके रखी हुई है, क्योंकि हम काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनाने वाले हैं तो टमाटर हमको लगने वाले थे। तो हमने यहाँ पर काफ़ी सारे जो टमाटर हैं 8 से 10 पीस कर रखे हुए हैं, तो ये प्यूरी हमने 3 चम्मच के लगभग ले ली है, और इसको अब अच्छे से हम पका लेंगे। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, स्वादानुसार नमक, और यदि आप सोया सॉस नहीं खाते हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं। और अब इसको हम थोड़ा सा टमाटो सॉस डालकर अच्छे से पका लेंगे। तो टमाटो सॉस डालने से जो थिकनेस है वो भी बढ़ जाती है, और थोड़ा सा इसमें शाइनिंग भी आ जाती है हमारी ग्रेवी में। थोड़ी सी इसमें हम चीनी भी डालेंगे, क्योंकि हम जो टमाटो प्योरी हमने लिया हुआ था टमाटर थोड़े खट्टे हैं, तो आप चाहें तो इसको, यदि आपकी इच्छा है तो आप उसको डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा दालचीनी पाउडर,
और अभी हमारी जो ग्रेवी है तैयार हो गई है, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। तो बाद में आप इसमें लाल मिर्च डालें तो बहुत बढ़िया इसका कलर आता है सब्जी का। और यहाँ पर अब हम डाल रहे हैं विनेगर, तो आप विनेगर की जगह में जो नींबू का रस है वो भी डाल सकते हैं। और मंचूरियन की ग्रेवी है तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो कॉर्नफ्लोर होता है उसको पानी में घोलकर उसका जो स्लरी बना के रखी हुई थी वो ऐड करी है। और उसके बाद में जो हमारा ये जो ग्रेवी है तैयार हो चुकी है, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं मंचूरियन बॉल्स। और अब ऊपर से हम इसको 2 मिनट के लिए पकाकर और इसके बाद में ऊपर से गार्निशिंग करेंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती से। और जो धनिया पत्ती के स्टेम्स होते हैं थोड़े मोटे जो नीचे साइड के डंठल होते हैं उसको भी बारीक कट करके डालेंगे। तो जो यदि आप स्प्रिंग ऑनियन की जगह में इसे गार्निशिंग करेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। तो हमारे पनीर, लौकी पनीर जो मंचूरियन है तैयार हो गए हैं। अब हम बनाएंगे पीनट मसाला भिंडी। तो इसके लिए हमने भिंडी को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसके बाद में अब हम इसको थोड़ा सा जो ऑयल है उसमें सोते करेंगे। बहुत ज़्यादा एकदम डीप फ्राई नहीं करना है, 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको सोते करेंगे और निकाल लेंगे। अब हम बनाते हैं ग्रेवी। तो हमने ऑयल उसका कम कर दिया है कढ़ाई में से और उसमें जीरा, सौंफ और हींग डालने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी के लगभग जो पीनट होते हैं उसको हमने दरदरा पीस लिया है मिक्सी में। और अब हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच बेसन, तो इससे जो ग्रेवी है उसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा आता है। बेसन और पीनट अच्छे से भुन चुके हैं, तो अब इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। तो 2 से 3 टमाटर जो हैं हम इसके प्यूरी इसमें ऐड करेंगे। और टमाटर को हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। और जब हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएंगे तो इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो जो धनिया पाउडर है और साथ में हल्दी, लाल मिर्च, जो बेसिक मसाले होते हैं वही हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इनको अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ड्राई ग्रेवी है ये तैयार हो चुकी है। तो आप चाहें तो यहीं पर जो भिंडी है उसको ऐड करके ड्राई मसाला भिंडी बना सकते हैं, और नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ी सी ग्रेवी वाली जो भिंडी होती है वो बना सकते हैं। तो यहाँ हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसके बाद में इसको 2 मिनट के लिए पकाया है। तो अब जो भिंडी है इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और जो भिंडी हमने सोते करके रखी हुई है ऑयल में उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। और कलर के लिए थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक। तो यहाँ पर हमारी पीनट मसाला भिंडी एकदम तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही बढ़िया यम्मी जो हमारी भिंडी तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जैन थाली की एक और डिश तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब हम जो बना रहे हैं जैन थाली के लिए एक स्पेशल खास रेसिपी, जिसको कुछ ही समय पहले मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी किया है। और ये मेरी अपनी रेसिपी है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बनाने में एकदम आसान है। तो फ्रेंड्स ये जो रेसिपी है इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो डिटेल में रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, इसको आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी यहाँ पर इसका मैं फर्स्ट रिकेप आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो पनीर है उसको मैरिनेट करके रखा हुआ है और अब इसको हल्का सा हम ऑयल में सोते कर लेंगे। पनीर को हटाकर फिर अब हम इसमें जो चेरी टमाटो है उसको हल्का सा सोते कर लेंगे। और हमने यहाँ पर पालक की प्योरी तैयार करके रखी हुई है, तो जो सारी प्रोसेस है डिटेल में मेरे वीडियो में ऑलरेडी है, तो इसको आप वहाँ से देख लें। और यहाँ पर हमारी जो स्पिनिच ग्रेवी है, पालक की ग्रेवी है तैयार हो गई है। तो जो हमने पनीर क्यूब्स तैयार करके रखे थे उसके ऊपर छोटे छोटे चेरी टमाटो जिनको हमने सोते किया हुआ था उसके ऊपर रख के इसको अच्छे से गार्निशिंग कर देंगे पनीर के साथ में। तो बहुत ही सुंदर हमारी रेसिपी तैयार है। अब हम बनाते हैं मिक्स फ्रूट रायता। तो इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अभी कुछ ही समय पहले अपलोड की है, तो उसकी जो फुल डिटेल में रेसिपी है आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ फ्रूट्स कट करके रखे हैं फ्रेश, और उसमें जो दही है उसको हमने फेंट लिया है, उसमें थोड़े से काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और कुछ फ्रूट्स डाल के, थोड़े से पुदीना के पत्ते डाल के और धनिया पत्ते से गार्निशिंग करके हमारा मिक्स फ्रूट रायता तैयार है। फ्रेंड्स मिक्स फ्रूट रायते के बाद अब बारी आती है हमारे फ्राइड राइस की। तो मटर पुलाव हम बना रहे हैं और हमने चावल कुक करके रखा हुआ है। अब एक पैन में हम ऑयल लेते हैं, इसमें डालेंगे राई, जीरा, सौंफ, और अब इसमें हम डालते हैं थोड़े से कड़ी पत्ते और लंबी कटी हुई हरी मिर्च। और इसके साथ में ही इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। तो ऑयल में ही जब इसको हम धनिया पत्ती को फ्राई करते हैं तो इसका कलर भी बरकरार रहता है और जो फ्लेवर है वो भी काफ़ी अच्छा आता है। और आधी कटोरी के लगभग हमने लिए मटर के दाने, क्योंकि हम मटर पुलाव बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने मटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है।
और धनिया पत्ती आदि सब चीज़ें डाल के हम अच्छे से सौते कर लेंगे इसको थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा ढककर रख देंगे क्योंकि मटर के दाने जब ऑयल में हम इनको पकाते हैं तो थोड़े से उछलते हैं, ये उचक कर बाहर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब जो हमारे मटर हैं ये भी अच्छे से सोते हो चुके हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। तो यहाँ पर काली मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा टमाटो प्यूरी भी हमने ऐड की हुई है, और साथ में ही इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी इसमें डालेंगे चीनी 1/4 टीस्पून के लगभग। तो बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने राइस कुक करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मटर पुलाव है ये भी तैयार हो गया है, इसको धनिया पत्ते से गार्निश कर देंगे। और अब हम बारी आती है हमारे बनाने की मिस्सी रोटी। तो यहाँ पर रोटी का जो हमने आटा तैयार करके रखा था उसकी रोटी बेल ली है, और रोटी को पतला बेलने के बाद में इसमें हमने थोड़े से धनिया पत्ती के जो बारीक कटी हुई रखी थी उसको स्प्रेड किया है और वापस से एक बार फोल्ड करके, और अब इसकी हम रोटी बना लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी मिस्सी रोटी तैयार होती है धनिया पत्ती वाली, और ये जो रोटी होती है काफ़ी हेल्दी भी होती है और काफ़ी टेस्टी भी होती है। तो जो मिस्सी रोटी होती है ना इसको थोड़ा मोटा ही बेला जाता है, और अच्छा कुरकुरा सेकने के बाद में इसमें घी डाल के इसको सर्व किया जाता है, तो बहुत ही बढ़िया ये लगती है। और अब हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। अब हम बनाते हैं पापड़ी चाट। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं जैन पापड़ी चाट। तो इसकी जो पापड़ी चाट की पापड़ी है इसको मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, और अब इसको हम एक प्लेट में लगा लेते हैं। उसके बाद में ऊपर से हम डालेंगे इसमें अमचूर या इमली की चटनी, साथ में डालेंगे बारीक कटी हुई ककड़ी, टमाटर और हरी मिर्च और धनिया पत्ती। तो यहाँ पर हम जैन पापड़ी चाट बना रहे हैं इसलिए किसी भी प्रकार के जमीकंद का इसमें यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही, और ऊपर से डालेंगे बारीक सेव, और थोड़े से अनार के दानों से इसको गार्निश कर देंगे। तो बहुत ही आसान सी पापड़ी चाट हमारी तैयार है जो खाने में बहुत ही स्पेशल और टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो जैन थाली की सारी रेसिपीज़ हैं ये तैयार हो चुकी हैं, जो एक से बढ़कर एक हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हैं। और आपको याद होगा हमने शुरू में बनाई थी रबड़ी और मालपुए। तो जो मालपुए हमने तैयार करके रखे हुए थे उसके ऊपर अब हम रबड़ी डालकर इसको सर्व करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड, इसके साथ ही तैयार है हमारी इस वर्ष की महावीर जन कल्याणक स्पेशल जैन थाली। और ये जो थाली है इसकी सारी रेसिपीज हमने बहुत ही मेहनत, प्यार और अपनेपन के साथ तैयार की है। तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सभी को ये रेसिपीज या जैन थाली बहुत ही पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स ये जो रेसिपीज हैं इसको आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, और कैसी बनी इसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर दें। और मेरे चैनल शाकाहार सदाबहार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स फिर हम मिलते हैं किसी अन्य रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय जिनेंद्र।